सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा 4 अप्रैल को अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। उनकी नामांकन रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होने सतना पहुंचेंगे। सतना से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा डब्बू 4 अप्रैल गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वे अपने समर्थकों और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सतना संसदीय सीट से अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। उनकी नामांकन रैली में कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। कांग्रेसी खेमे ने नामांकन रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार 4 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है। सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा का नामांकन दाखिल कराने बड़ी संख्या में नेता पन्ना और रीवा होते हुए सतना पहुंचेंगे। वे खजुराहो से हेलीकॉप्टर के जरिए 4 अप्रैल को सुबह 9:45 बजे पन्ना आएंगे। पन्ना में एक घंटे रुकने के बाद दोपहर लगभग 12:15 बजे रीवा पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का नामांकन दाखिल कराने जाएंगे। कांग्रेस नेता दोपहर 1:15 पर सतना पहुंचेंगे और सिद्धार्थ कुशवाहा की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे भोपाल प्रस्थान करेंगे। दूसरे चरण में होने वाले सतना संसदीय क्षेत्र के लोकसभा निर्वाचन के लिए अभी तक सिर्फ 2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुए हैं। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अजीत ने अपने अपने पर्चे जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किए। हालांकि भाजपा प्रत्याशी और सांसद गणेश सिंह 3 अप्रैल को लाव लश्कर के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे।